हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब खबर पंचकुला से, जहां पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला से जुड़े हुए कई विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल पहले हमने इसकी मांग रेलवे मंत्री से रखी थी, अब जल्द ही ये जिले को मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारत का तीसरा रेलवे स्टेशन है जो इस तर्ज पर डेवलप होने जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं होंगी। इसमें एंट्री एग्जिट गेट और सिटिंग लाउंज भी बनाए जाएंगे। इंटरनेशनल स्तर का रेलवे स्टेशन जल्दी ही पंचकुला को मिलने जा रहा है। इसके लिए प्रयास तो लगभग हमने 3-4 साल पहले शुरू किए थे। 4 साल पहले यहाँ पर रेलवे की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर 14 या 15 मेंबर पार्लियामेंट थे, वो आई थी। उस समय हमने मांग की थी कि पंचकुला की तरफ का जो रेलवे स्टेशन का हिस्सा है उसको भी चंडीगढ़ की स्तर पर डेवलप किया जाए, चंडीगढ़ की तरह डेवलप किया जाए। उस कमेटी की मीटिंग के पश्चात फिर मैंने जो आदरणीय पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री हैं उनको एक पत्र लिखा था। पत्र में भी यही कहा था कि ये जो पंचकुला की तरफ जो रेलवे स्टेशन है उसका विकास होना चाहिए।